وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان غويا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر, خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. بزرگوں, دوستو, اسلامی بھائیوں, اس کائنات کے اندر کچھ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو سچائی تک, حقانیت تک, صحیح اور ثواب تک پہنچ جاتے ہیں, اور زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سچائی تک پہنچ نہیں پاتے, لہذا وہ گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس سچائی ہے, حق ہے, سیدھا راستہ ہے, صحیح تعلیم اور صحیح منہج ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ان بھائیوں تک اس سچائی کو پہنچائیں, اس منہج کو پہنچائیں, اس صحیح تعلیم کو پہنچائیں جو اللہ رب العالمین نے بطور انعام انہیں عنایت فرمایا. صحیح اور غلط, جو صحیح راستے پر ہے, صحیح موقف پر ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ صحیح بات, صحیح موقف, اپنی صحیح رائے دوسروں تک پہنچائے. ہمارا اور آپ کا کام یہاں تک ہے کہ پہنچا دیا جائے. اب وہ سچائی کو قبول کرتا ہے کہ نہیں, یہ کام ہمارا اور آپ کا نہیں, یہ رب العالمین کا اس بندے کا معاملہ ہے کہ وہ سچائی کو قبول کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے سچائی کی ہدایت دیتا ہے یا نہیں. ہم بندوں کا کام صرف یہ ہے کہ سچی بات, سچی تعلیم, سچا منہج, حق لوگوں تک پہنچائیں, ان بھائیوں تک پہنچائیں جن بھائیوں تک ابھی تک نہیں پہنچا.
लेकिन पहुंचाते वक्त सच पहुंचाने के, हक पहुंचाने के, लोगों को तालीम देने के, तबलीग करने के जो आदाब हैं उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी। आप कितने भी सच्चाई पर आ जाएं, हक पर आ जाएं, लेकिन जब दूसरों तक पहुंचाएंगे तो सामने वाला का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके मकाम व मर्तबा, उसके रुतबे का ख्याल रखना पड़ेगा, समाज के अंदर और घर के अंदर उसकी क्या अहमियत है उसको अपनी नज़र के सामने रखना पड़ेगा, उसी एतबार से उनसे बात करना पड़ेगा। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं, लाइल्मी में कह लें, तजुर्बा ना होने की बुनियाद पर या फिर कुछ और चीज़ें शैतानी बहकावे में आकर के, सच्ची तालीम अपने पास होती है तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो तरीका इख्तियार करते हैं जो दुरुस्त नहीं होता, सामने वाला मानने के बजाय और चढ़ने लगता है और फिर कहेंगे कि हमने सच बात कह दी तो चढ़ गए। अलहक मुर्रुन, हक कड़वा होता है, मैंने बोल दिया सच्ची बात, देखो चिढ़ गए, हक कड़वा ही होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को हक कड़वा ही लगे, बसा औकात ऐसा होता है कि हक सही रहता है, सामने वाला कबूल भी करने को तैयार है, लेकिन हमारा अंदाज कड़वा हो जाता है जिसकी वजह से वो मानने के बजाय बिफर जाता है। तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात इस मौसम में उमूमी तौर पर बयान किए जाते हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी के एक वाक़े आपके सामने, एक वाक़े से मुतालिक चंद आयात आपके सामने मैंने तलावत की, सूरह मरियम की, कि ज़रा देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक पर हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो वक्त के नबी हैं, वो तौहीद पर हैं, वो अल्लाह के दिव्य तालीम पर मनहज पर हैं, और उनके मुकाबले में उनके वालिद मोहतरम हैं, उनके कौम के लोग हैं जिनके बातिल पर होने में कोई शक नहीं, जिनके गुमराही में होने में कोई शक नहीं, जो अल्लाह के आदाब के शिकार हो रहे हैं इसमें भी कोई शक नहीं, उसके बावजूद वक्त के नबी अपने घर के अंदर बुत की पूजा करने वाला, बुत बेचने वाला, बुज बनाने वाला, उससे जब बात करते हैं, सच्ची तालीम जब उनको पहुंचाते हैं, हक बात जब पहुंचाते हैं, तो जरा देखिए कितना प्यार भरे अंदाज में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र फरमाया है कि जब वो अपने बाप को तौहीद की दावत देते हैं, सच्चाई की दावत देते हैं, हक की दावत देते हैं, सही मनहज की दावत देते हैं, सही तालीम की दावत देते हैं, सही मौकिफ की दावत देते हैं, तो अंदाज कितना प्यारा है, कितना अदब व एहतराम के साथ हुकूक की रियायत करते हुए, वालिद मोहतरम का जो मकाम है उसका ख्याल करते हुए कहते हैं, इद क़ाल ली अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग्नी अनका शैआ, ऐ मेरे अब्बा जान, आप ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हैं जो ना तो सुनते हैं ना देखते हैं और ना ही आपको कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। या अबति इन्नी खज्जानी मिनल इल्म, ऐ मेरे अब्बा जान, मेरे पास इल्म आया है, मेरे रब ने मुझको इल्म दिया है, वो आपके पास नहीं आया, लिहाजा अगर आप मेरी इत्तबा करेंगे, मेरी बात मानेंगे, तो मैं आपको सच्चाई की रहनुमाई करूंगा, सीधे रास्ते की रहनुमाई करूंगा। या अबति ला तअबुद शैतान, ऐ मेरे अब्बा जान, शैतान की इबादत मत कीजिए, शैतान की पैरवी मत कीजिए। क्यों? इस वजह से कि शैतान ये रहमान का नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करने वाला है, लिहाजा ऐ मेरे अब्बा जान शैतान की इत्तबा मत कीजिए। या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबु मिन अर्रहमान फतकून लिश्शैतान वलिया, ऐ मेरे अब्बा जान, आप मुझे डर लग रहा कि कहीं अल्लाह का अजाब आप पर ना आ जाए, उस अजाब से मैं डर रहा हूं आपसे मुतालिक, और फिर आप शैतान के दोस्त हो जाएं, जो अंजाम शैतान का होने वाला है वही अंजाम आपका भी ना हो जाए। ये चार आयत करीमा सूरह मरियम की हैं, और उसमें तालीम क्या है? तौहीद की दावत। ये बुत कोई फायदा पहुंचाने वाले नहीं है,
یہ نفع نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں, یہ سنتے بھی نہیں ہیں, یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. ہاں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, میرے پاس علم ہے, اللہ نے مجھے علم دیا ہے, اس علم کی روشنی میں میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. اے میرے ابا جان, آپ میری بات کو مان لیجئے اور آپ شیطان کی پیروی مت کیجئے. وہ شیطان اللہ کا, رحمان کا نافرمان ہے. آپ کے متعلق مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے آپ پر, کیونکہ آپ کا کام ایسا ہے کہ شیطانوں والا کام ہے, شیطان کی دوستی والا. یہ چار باتیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے نبی جو حق پر ہیں, جو سچائی پر ہیں, جو صحیح منہج پر ہیں, جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں, توحید پر ہیں, اس کی دعوت اس وقت بت بنانے والے کو دے رہے ہیں, بت گڑھنے والے کو دے رہے ہیں, بت بیچنے والے کو دے رہے ہیں اور بت کی پوجا کرنے والے کو دے رہے ہیں. لیکن چاروں آیات کریمہ کے ابتدا میں جو لفظ استعمال کیا اللہ رب العالمین نے, ان کا جو قول نقل کیا اس میں, یا ابتی, اے میرے ابا جان, آپ جانتے ہیں ابو کہنا یہ بھی ایک احترام ہوتا ہے, اور میرے ابو کہنا اس میں اپنائیت کچھ زیادہ ہوتی. اور آپ قرآن کریم اٹھا لیجیے, اب میں کیا کہوں جب آپ کو نالج نہیں, لیکن کسی سے پوچھ لیجیے, یا ابتی کا جو ترجمہ ہوتا ہے, اے میرے ابا جان, اب بھی نہیں ہے, ابتی اپنی جانب نسبت کرتے ہوئے, یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ جب بھی بات کی جائے گی, سلیقے سے کی جائے گی, احترام کے ساتھ کی جائے گی, محبت کے ساتھ کی جائے گی, کتنا بھی آپ حق پر ہوں, کتنا بھی آپ سچے تعلیم پر ہوں, صحیح منہج پر ہوں, صحیح مسلک پر ہوں, کیسی بھی معاملہ ہے, لیکن سامنے والے سے گفتگو جو کرنا ہے اس کا ادب و احترام. نہیں کہا کہ اے کافر, اے مشرک, اے بت پوجنے والے, اے بت بنانے والے, اے بت بیچنے والے, سنو جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ کچھ فائدہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. نہیں, چاروں بات کہنے سے پہلے یا ابتی, یا ابتی, یا ابتی. باپ نے جب سنا ان کی دعوت جو بڑے پیار و محبت سے دی گئی تھی تو باپ کو تھوڑا غصہ آیا. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی اختیار کر رہا ہے, ان سے دور ہو رہا ہے, ان کو چھوڑنا چاہتا ہے. مان جا ورنہ لارجمنک, پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دوں گا, یا میرے گھر چھوڑ کے نکل جا, یہاں تجھے رہنے کی ضرورت نہیں. باپ غصے میں, باپ غصے میں ہے, باپ مارنے کی بات کر رہا ہے, باپ گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جواب سنیے, قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کا نبی حفیہ. ابا سلامتی ہو, ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا. سأستغفر لک ربی, میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں. سوال یہ, اولاً ہم حق پر ہوں اور اپنے والد محترم کو, اپنے والدہ کو, اپنے بڑے بھائی کو, خاندان کے دوسرے افراد کو, یا سماج کے بڑے لوگوں کو جب ہم دعوت دیتے ہیں کیا یہی طریقہ ہوتا ہے؟ اتنی پیار و محبت سے ہم بات کرتے ہیں, اے ابا جان, اے میرے ابا جان, اے پیارے ابا جان, پیاری امی. ہم بھی کبھی کہتے ہیں, یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اپنے والدین کو پیار سے نہیں پکارتے, اپنے والدین کو ہم پیار سے نہیں پکارتے. جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگتے ہیں ویسے ویسے والدین کو پکارنے کا ہمارا انداز بدلتا چلا جاتا ہے. اما تو ادھر چل, تو ایسا کیوں بولتے رہے, یہ تو تا کیا ہے؟ والدین کا احترام کیجیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حق بات آپ کے پاس ہے, لوگوں کو پہنچانا ہے, گھر کے افراد کو پہنچانا ہے, کیا اتنی پیار و محبت سے ہم بھی بات کرتے ہیں؟ یقیناً نہیں کرتے. ایک بار ہوا, دو بار ہوا, تو یہ زوم ہمارے اندر ہے کہ چونکہ میں صحیح منہج پر ہوں, میری رائے صحیح ہے, اس لیے ان کو کڑوی لگ رہی ہے, میری بات کو نہیں مان رہا.
और दीन की बात है, दीन के अलावा दूसरे मामलात में भी, बिजनेस का मामला है, शादी ब्याह घर के मामलात हैं, किसी मामले में कोई मसला घर में पेश आ गया उसको अंजाम देना है, तो बाद लोगों की राय कुछ और होती है, लड़के की राय कुछ और होती है, अम्मा की राय कुछ और होती है, वालिद की राय कुछ और होती है। ऐसे मौके पर वो बेटा जब बात करेगा बाप से तो प्यार से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम नहीं करते, हम धीरे से अम्मा से कहे चल देते हैं, ऐसा बोल देना होगा हो नहीं को नहीं होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। डायरेक्ट बाप से भी नहीं, प्यार से पुकारना छोड़ दीजिए, उनको उनका हम सामना नहीं करना चाहते चूंकि मेरी राय को उन्होंने एहतराम नहीं किया, उल्टा मामला होगा। अम्मा से कह के चल देते हैं, दूसरे से कहलवा देते हैं, बाप बाप है, वालदा वालदा है, उनका एहतराम लाजिम है। आप कितने भी हक पर हो जाएं, कितनी भी सच्चाई पर हो जाएं, कितने भी आप कामयाब हो जाएं, आपकी राय कितनी भी सही हो जाए, लेकिन बाप से जब बात करना होगा, वालदा से जब बात करना होगा, तो एहतराम लाजिम है, एहतराम लाजिम। दूसरी बात, अगर बाप गुस्सा है और उसका गुस्सा बेजा है, बजा नहीं, उसका गुस्सा करना सही नहीं है, नासमझी में या जुल्म करते हुए गुस्सा कर रहा है वो, फिर भी एहतराम का दामन नहीं छूटेगा। बाप गलती पर है, जिस मौके को उसने इख्तियार किया वो गलत इख्तियार किया है, मैं सही हूं, मेरी बात नहीं मानी जा रही है, और जब मैं बात पेश करता हूं अब्बा गुस्सा जाते हैं, घर से निकालने की बात करते हैं, गलती पर होने के बावजूद घर से निकालने की बात करते हैं, उस वक्त भी एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर से निकालने की बात, मारने की बात, पत्थरों से मार मार के हिला करने की बात है, और उसके बाद कहते निकल जा घर से, तो कहते काला सलामुन अलैक, नहीं कहा कैसे निकल जाओ मेरा भी हक है, नहीं कहा कि मैं क्यों निकल जाऊं मैं भी यही रहूंगा, मुकाबला नहीं करता, इधर उधर गुत्तियां नहीं बैठाता, इनके उनके पास जाके बाप की शिकायत नहीं करता, उकसाता नहीं लोगों को, दूसरे भाइयों को नहीं उकसाता, घर के अफराद को नहीं उकसाता, वो घर का मालिक है, वो हमको निकाल रहा है निकल जाइए। अगर वो गलती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उसका मामला अल्लाह के हवाले, अल्लाह उससे निपट लेगा, लेकिन आप अपनी आकिबत को बर्बाद मत कीजिए। बाप की मुखालिफत करके, बाप से टकरा करके, बाप को अदबद बोल करके अपनी आकिबत मत बर्बाद कीजिए। अगर वो गलती पर हैं, वालदेन में से या बड़े कोई भी हम पर जुल्म कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनका एहतराम करें, और वो जुल्म कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, अल्लाह उनसे निपट लेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मेरी गलती क्या, गलती तो उनकी है, और जब गुस्से में आएंगे तो अब्बा को कायदे से अब्बा भी नहीं कहते, हाँ इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वालिद को सही मानों में वालिद भी नहीं कहते, अरे गलती उनकी है मेरी थोड़ी ना, ना ये तरीका ईमान वालों का नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने वालों की नहीं। अगर इस तरह के मामलात आए तो यकीनन कहिए ठीक है हम चले जाएंगे, अल्लाह कोई रास्ता जरूर पैदा कर दे। और इसी समाज में हमने देखा है जिन लोगों ने बाप से टकराने की कोशिश की है उनका घर उजड़ गया है, घर चौसी में रह लिए, एक कमरा मिल गया है, और जिनका मामला यह रहा है कि वो बाप के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया और जरूरत पड़ी घर बार छोड़ दिया है, वो इसी दुनिया के अंदर कामयाब हुए, इसी दुनिया के अंदर कामयाब हुए। अल्लाह रास्ता पैदा करता है, अल्लाह ठिकाना देता है, बाप ठिकाना नहीं देता। रब्बुल आलमीन वो है, बाप रब नहीं। इसलिए इस पूरे खुतबे का खुलासा यही है कि आप कितनी भी सच्चाई पर हों, कितने भी हक पर हों, सही मसलक पर हों, सही मनहज पर हों, सही अकीदे पर हों, और आपके सही राय हैं, और मुकाबले में आपके वालदेन गलत रास्ते पर हैं, गलत मनहज पर हैं, गलत मसलक पर हैं, गलत अकीदे पर हैं, और ऐसे ही गलत राय पर हैं, उसके बावजूद उनसे जब आप हम कलाम होंगे
तो प्यार से मोहब्बत से उनके आदाब का ख्याल रखते हुए, और अगर वो गुस्सा करते हैं उनके गुस्से को सुनना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, टकराने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वालदैन से टकराया नहीं जाता, वालदैन से टकराया नहीं जाता। इसलिए यही हमारी आपसे गुजारिश है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमें यह पैगाम देता है कि हर हालत में वालदैन का एहतराम किया जाए, उनके रुतबे का ख्याल रखा जाए, उनसे जब बात की जाए तो उनके मकाम और मर्तबा को ख्याल रखते हुए प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से उनके साथ हमारा मामला होना चाहिए। इलाह आलमीन कहने सुनने अमल की तौफीक दे, हमें किताब सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। इलाह आलमीन हमें अपने वालदैन की कद्र करने वाला बना, उनकी खिदमत करने वाला बना, उनके एहतराम करने वाला बना। इलाह आलमीन हमारे उनके मामलात अगर ख़राब हैं, इलाह आलमीन उसको ठीक फरमा दे, दुरुस्त फरमा दे। हमें मिलजुल के रहने की तौफीक अदा फरमा। हमारे लिहाज मकरूद हैं उनके कर्ज अदायगी फरमा। इलाह आलमीन गैब से उनकी मदद फरमा, गैब से उनकी मदद फरमा। इलाह जो मरीद हैं उनको शिफाए कामिला आजर नसीब फरमा। हर किस्म के अमराज से इलाह आलमीन हम तमाम को शिफाए कुल्ली नायत फरमा। रहमी ये जो वबा है, जिस जो भी शक्ल है इलाह आलमीन इस वबा का मुकम्मल तो से खात्मा फरमा। हमें निजात दे, हमें सुकून दे, हमें इत्मीनान दे। इलाह आलमीन हमारे रिस्क में बरकत दे, हमारे कारोबार में बरकत दे। इलाह आलमीन हमारी जो हालत है उससे कुछ भी मख्फी नहीं है, तू सब जानता है। इलाह आलमीन हमारे हालात को दुरुस्त फरमा दे। इलाह आलमीन रज़ाक तू है, राज़िक तू है, तुझसे हम दुआ कर रहे हैं। इलाह आलमीन तो हमारे रिस्क में फरवानी बरकत नसीब फरमा, ताकि हम खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकें, तेरे हुकूक़ की अदायगी कर सकें। इलाह आलमीन हम सब तेरे ही बंदे हैं, तुझसे ही फरियाद करते हैं। इलाह आलमीन हमारे मामलात को दुरुस्त फरमा दे। इलाह आलमीन जिन लोगों के मामलात ख़राब हैं, इलाह आलमीन उनमें इस्लाह फरमा, मज़ीद हमारे मामलात ना बिगड़े, हमें उसकी तौफीक दा फरमा। इलाह आलमीन क़ुरान करीम के एतबार से, शरीयत मुतहरा के एतबार से हमें आने वाली ज़िंदगी पर में अमल करने की तौफीक दे। तमाम इबादात मामलात उसी की रोशनी में हल करने की तौफीक दा फरमा। इलाह आलमीन जिनके घरों में खुशियाँ नहीं रहा, उनके घरों में खुशियाँ नसीब फरमा। इलाह आलमीन जिनका इंतकाल उनकी बख्शिश फरमा, उनकी मगफिरत फरमा, उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे, उनकी मगफिरत फरमा दे, जन्नत में ठिकाना नसीब फरमा दे, कब्र के आदाब से, जहन्नम के आदाब से बचा। इलाह आलमीन जो लोग बाहयात हैं उनको ईमान पर बाकी रख, इस्लाम पर बाकी रख, और उसी हालत में हम तमाम का खात्मा फरमा। आमीन। तकब्बल रब्बिल आलमीन।